हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केएस सोसाइटी। सो ये वीडियो में मैं एक्चुअली हिंदी में बोलूँगा क्योंकि इंग्लिश में इतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहा है। आई थिंक माय इंग्लिश इज़ नॉट दैट मच गुड, सो या आई एम गोना स्पीक इन हिंदी। ओके, तो पिछले गीक का प्रेडिक्शन अच्छा रहा क्योंकि इसमें DNF ड्यूअली आया, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट ग्लिच ग्लिच के कारण मेरे को यही लगा कि ये DNF ड्यूअली आने वाला है, तो वही गेम आया। उतना ज़्यादा गेम नहीं है क्योंकि मैं दिखा सकता हूँ गेम, मतलब 7-6 दिन वेट करके ये गेम दे दिया, मतलब इतना भी सही नहीं था यार। मतलब ये गेम देखो आप, बस यही कैरेक्टर और मेरे को पता नहीं कुछ कुछ कैरेक्टर, जैसे स्ट्राइकर अच्छा लगा और कुनोची ड्रैगन नाइट और ये बंदा रेंजर, और मैंने कुछ गेम खेला, मतलब ये थोड़ा बहुत खेला मैंने, तो मेरे को थोड़ा बहुत लगा कि उतना नहीं है गेम जो इतना वाइप कर रहा था। मतलब टेकन मैं खेला हूँ और मॉर्टल कॉम्बैट खेला हूँ, और इनमें से अगर मैं ये देखूँ तो ये तो एकदम उतना अच्छा नहीं है यार। मैं दिखाता हूँ एक चीज़, मैं दिखाता हूँ, चलो अनचेंज स्ट्राइक भी लगा देता हूँ। ए विदाउट कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो थोड़ा कीवर्ड अंदर जा रहा बस इतना ही है गेम के बारे में, तो नहीं है। बट बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टर मेरे को अच्छा लगा क्योंकि ये जैसा चुनली जैसा दिख रहा है। तो अब मिस्टेक गेम थर्ड के बारे में बोलूँ तो अब एक गेम आ सकता है, वो है पाइन, क्योंकि बैटल T2024 में तो प्रॉब्लम यह है कि उसमें डिस्काउंट सेल रखा है। तो आपको पता है आजकल मतलब इतना भी जितना भी एपिक ने दिया है उसमें से कोई भी डिस्काउंट सेल में नहीं था, तो अब पता नहीं एपिक ने कुछ और भी प्लान है उनके साथ। तो पाइन ऐसा गेम है कि जैसे ओपन वर्ल्ड एडवेंचर गेम है, तो थोड़ा बहुत सही है, इसमें डिस्काउंट सेल नहीं है, और टोल बाउंडर कंप्लीट वाला गेम है, तो शायद अच्छा होगा क्योंकि एक्सपेक्ट कर सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि अब देख हर दिन एक एक गेम दे रहा है, तो इतना भी बड़ा नहीं होने वाला जैसे RDR या GTA 5 आने वाला है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके, RDR में डिस्काउंट सेल है तो कतई वो नहीं देने वाला तो जिसका डिस्काउंट सेल नहीं है वो ही आने वाला। ओके, तो अपन ये बोल सकते हैं कि अभी फिलहाल ऐसा बिग वाला गेम नहीं आएगा। अब देखते हैं लास्ट वाला जो मिस्ट्री गेम आएगा उसमें शायद बिग गेम आने वाला है, कुछ ना कुछ बिग गेम आने वाला। अब ये नहीं पता कि कौन सा बिग गेम आने वाला है, बट कुछ तो आने वाला है। सो प्रॉब्ली देखो ना, गिव सम लिटिल बिट स्मॉल स्मॉल गेम, आफ्टर दैट दे विल बी गिविंग अ बिग गेम जस्ट फॉर द लास्ट मिस्ट्री गेम। तो इसको जानने के लिए, मतलब इसका प्रेडिक्शन सब जानने के लिए आप प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरा चैनल। और हाँ, मेरा हिंदी भी उतना ठीक नहीं है क्योंकि मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम केरला, सो आई एम एक्चुअली मलयाली, सो उतना भी हिंदी ठीक नहीं है। बट हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को उतना व्यूज़ नहीं आ रहा है, यू नो व्हेन एवर आई स्पीक इन इंग्लिश आई एम नॉट गेटिंग इनफ व्यूज़ और ऑडियंस, सो आई थॉट ऑफ ट्राइंग इट हिंदी। सो या दैट्स द रीज़न वाई आई एम स्पीकिंग इन हिंदी। सो हाँ, और क्या मैं बोल सकता हूँ इस गेम के बारे में, जैसे DNF ड्यूल तो आपको आपने देखा ही होगा, इसमें एक अच्छा गेम बोल सकते हैं या नहीं, बट जितना हमने वेट किया उतना अच्छा नहीं है गेम। और जैसे डेस्टिनी सेकेंड वाला जो कलेक्शन दिया है वो मैंने पहले ही खेल चुका है थोड़ा बहुत, तो डेस्टिनी भी ऐसा गेम नहीं है जो पहले ही वो फ्री था, वार फ्रेम डेस्टिनी सेकेंड ये सब पहले ही फ्री था। ओके, तो उतना भी हाइप बनने वाला कुछ नहीं है। और अगर रही बात कुछ खेलना है तो फॉल गाइस में आ जाओ गाइस, हम खेल लेंगे। बस इतना ही बोल के हम अपन ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड छोटा सा बड़ा सा बड़ा वीडियो हो गया, छोटा करना था बट हो गया बड़ा, सॉरी फॉर दैट। बस लाइक मार देना और थोड़ा बहुत शेयर मार देना, और अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा बहुत सब्सक्राइब भी मार देना। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, अब सायोनारा यही बोलने चाहता हूँ, चलो बाय।